आज हम आपको उस महापुरुष के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से स्वामी विवेकानंद को शिकागो की विश्व धर्म संसद में बोलने का मौका मिला। उनका नाम था अनागरिक धम्मपाल। शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने अपने भाषण के समय से स्वामी विवेकानंद को बोलने के लिए समय दिया था। अनागरिक धम्मपाल ने विश्व धर्म संसद में ब्रह्मचर्य जीवन पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए मानवतावाद से जोड़ा। उनका भाषण बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। अनागरिक धम्मपाल का जन्म श्रीलंका में 17 सितंबर 1864 को हुआ था। उनका बचपन का नाम डॉन डेविड हेविथरने था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ईसाई स्कूलों में हुई। स्कूली शिक्षा की समाप्ति के बाद उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान भदंत हिव कड़ुए श्री सुमंगल नामक महाअस्थवीर से पाली भाषा की शिक्षा और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर अनागरिक धम्मपाल रख लिया और अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया। अनागरिक धम्मपाल ने सार्वजनिक प्रचार कार्य के लिए एक मोटर बस को घर बनाया। वह गांव-गांव घूमकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील करते तथा भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते। पर्यावरण संरक्षण पर वह अधिक बल देते थे। प्रथम महायुद्ध के समय ये 5 वर्षों के लिए कलकत्ता में नज़रबंद कर दिए गए थे। अनागरिक धम्मपाल ने अपने प्रयत्नों से महाबोधि सभा की स्थापना की। महाबोधि सभा ने कई राज्यों व अनेक देशों में अपनी शाखा खोली व बौद्ध स्थलों का संरक्षण किया। 22 जनवरी 1891 को उन्होंने लाइट ऑफ एशिया पढ़ने के बाद पहली बार बोधगया पहुंचकर महाबोधि मंदिर देखा। उसकी दयनीय स्थिति देखते हुए मंदिर मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अनागरिक धम्मपाल ने भारत के अनेक बौद्ध स्थलों के संरक्षण में भूमिका निभाई। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और सांची के बौद्ध स्थलों का संरक्षण करने का कार्य उन्होंने किया। सारनाथ में धर्मराजी का स्तूप का संरक्षण उनकी देखरेख में हुआ। महाबोधि सभा के कार्यों को देखकर भारत सरकार ने तक्षशिला से मिले बुद्ध के अस्थि अवशेष को धर्मराजी का स्तूप में रखवाया था। इसके अलावा बुद्ध के शिष्यों के अवशेष भी सुरक्षित रखने को महाबोधि सभा को दिया, जो बोध गया में रखा है। 29 अप्रैल 1933 को 69 वर्ष की आयु में अनागरिक धम्मपाल की मृत्यु हो गई। उनकी अस्थियां पत्थर के एक छोटे से स्तूप में मूलगंध कुटी विहार के पार्श्व में रख दी गई। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस अनागरिक धम्मपाल की जयंती के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।